उसका पास होता है, उसे पिछुत्ते का मन बना था। इसे फिर मुझे एक होटल में वो बसे हाय दोस्तों, मैं विकास आप सभी के एक नए ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज दिन हमारा और आपका शुक्रवार का, और एक पार्सल मेरा डिलीवरी हो चुका है। पोर्टल में 360 रुपए का था और 260 ही मिले, और 25 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ठीक है। और उनको ड्रॉप करने के बाद उससे पहले ही 1 किलोमीटर पर मुझे उबर में बजा, मैंने हालांकि ज़्यादा ध्यान किया, धूप की रोशनी हो रही थी, मुझे 1 घंटा 41 मिनट की समथिंग दिखा, मैंने कहा यार एक्सेप्ट कर लो बाद में देखा जाएगा। उसको ड्रॉप करने के बाद मैं पहुंचा और करीब 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और वहाँ पहुँचने के बाद पता चला रो नहीं सके थे, रखा है अभी ठीक है, 29 किलोमीटर है भाई, छोटे मोटे तो है नहीं, बाकी ठीक है। अब देखो वो पार्सल ले लिया दिखाता हूँ, तो ये पार्सल है ठीक है, रोनी सेक्टर 13 के लिए जाना है। बाद फिर अब देखते हैं कि हमें कितना मिलता है इसका। पहले वाले का तो 288 मिल गया था, 32 किलोमीटर था ठीक है, और दूसरा 29 किलोमीटर है, उसमें कितना मिलता है, वो कितना मिलता है। और जो टाइम हो रहा है आपका 1:51, तो समथिंग 2 बज चुके हैं, और ये दूसरा पार्सल है तो इसको ड्रॉप करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ कि मुझे ऊबर ने कितना दिया। 2 दिन तो बहुत ही बुरा हाल था, कोई राइड नहीं, कोई पार्सल नहीं, बहुत बुरा हाल था, निकल ही नहीं पा रहा था, काम ही नहीं हो पा रहा था, 2 दिन वैसे छुट्टी हो गई। तो लेट्स सी अब तीसरे दिन निकले हैं, अब थोड़ा सोचते हैं कि थोड़ा इनकम ही कर लें, तो आज का दिन निकले हैं, देखो क्या होता है नहीं होता है। पूरी दिनचर्या लगे रहे वीडियो के साथ, हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे ठीक है। तो चलो इसको ड्रॉप करते हैं, फिर आपसे बात। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर दूसरा पार्सल होता है ठीक है, 275 का अमाउंट बना था और 249 मिला है। अब यहीं से फिर मुझे एक होटल में मिला पार्सल ठीक है, और उसको पिकअप करने यहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, चलो उसको वहाँ पहुँचूँ तो पता से पार्सल बताता हूँ क्या। A few moments later पार्सल मिल गया है, छोटा सा कटा है, ढेर का सामान है, ये सब बैग में आ जाएगा। 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 208 का अमाउंट है, नारायण इंडस्ट्री एरिया है, और टाइम हो रहा था 2:56, चलो उसको ड्रॉप करते हैं फिर मिलते हैं। A few moments later दोस्तों हमारा जो होता है तीसरा पार्सल होता है जन नारायणा में, ठीक है, 208 का था अमाउंट और 160 के आसपास मिला होगा। तो यहाँ पे बैठने के बाद मैं आपसे वार्तालाप करने के जा ही रहा था कि तभी 1 बज गया ओखला फेज 2 के लिए पोर्टल में, तो 10 सेकंड का वही वेट लगा था, बट यहाँ पे लगता है कि कोई चीट वाला नहीं था, इसलिए वो राइड मुझे वो पार्सल मुझे मिल गया, 278 का है और यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे है, मतलब जहाँ मैं छोड़ के आया था पार्सल मुझे फिर वहीं पे जाना पड़ा, तो अभी वहाँ चलते हैं, पार्सल पिकअप करते हैं, देखते हैं पार्सल क्या है, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं कि कितना डिस्टेंस होगा, कितना किलोमीटर है और कितना वो है ठीक है, सारी बातें पहले पार्सल देख लेते हैं क्या है। A few moments later जैसा कि आपको बताना था मुझे ओखला फेज 2 के लिए पार्सल मिला है ठीक है, और ये 23 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 278 रुपये का अमाउंट है। 10 मिनट वेट कराने के बाद ये पार्सल मुझे मिला है, और जो टाइम हो रहा है आपका 4 बज चुके हैं, 4 बज गए, देखो वहाँ पहुँच के फिर आपसे बात करते हैं। A few moments later तो दोस्तों फाइनली वो जो हमारा तीसरा पार्सल डन हो गया था ठीक है, चौथा पार्सल तो ओखला के लिए, तो अब ये पांचवा पार्सल मुझे मिला है ठीक है, सोम विहार के लिए, पता नहीं कहाँ के लिए, तो ये स्वामीनगर के लिए मिला है ठीक है, और किलोमीटर इसका 7.2 है, 117 का अमाउंट है ठीक है, कुछ नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं, मीडियम ही है, एक बॉक्स के हिसाब से, और लाइट वेट है, गत्ते हैं कागज वगैरह के, तो सैंपल के लिए जा रहे हैं, तो इसको ड्रॉप करते हैं फटाफट क्योंकि मेरे में है बहुत कम ठीक है, और टाइम हो गया आपका 5:12 ठीक है, और बैटरी पर बची हुई मेरी बहुत कम 18%, तो इसको फटाफट ड्रॉप करते हैं और घर के लोग कुछ निकालते हैं वहाँ से फटक। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको आज का टोटली बताना चाहूँगा, वैसे तो कल का ही टोटल है क्योंकि मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो बैटरी थी फ़ोन की वो 18% थी ठीक है, और उस कस्टमर को ड्रॉप करते ही और बैटरी कुछ ज़्यादा नहीं बची, 10% बची थी, तो मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि घर का डिस्टेंस के लिए, वहाँ से करीब 28 किलोमीटर का मेरा घर का डिस्टेंस पड़ रहा था, बट मैं 6-7 किलोमीटर आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद मुझे एक पश्चिम बिहार पे मिली उबर के लिए ठीक है, ये उबर की मिली पश्चिम बिहार के लिए 18 किलोमीटर का था, जो ऑनलाइन उनका पेमेंट था तो 153 मुझे मिले ठीक है, देख रहे हो 6:54 पे,
कस्टमर को मैंने पिकअप किया था 654 पे। फिर उसके बाद मैंने उनको जैसे ही ड्रॉप किया, अमाउंट लिया और मेरा फ़ोन हो गया स्विच ऑफ। तो चार्ज नहीं हुआ क्योंकि लाइट भी नहीं थी, इस वजह से फिर आज मैं सुबह चार्ज रात पर छोड़ के फिर आज मैं मॉर्निंग में आपके लिए टोटली मैं बताना चाहूँगा। तो टोटल मेरा काम हुआ है ऊबर में 403 रुपये का और पोर्टल में हुआ 820 रुपये का, ठीक है, 403 प्लस 800, तो हम मान लेते हैं इसको कर देते हैं 1223 रुपये का टोटल अमाउंट हुआ था और इसमें हम मानते हैं 300 रुपये का पेट्रोल, तो 923 रुपये का अमाउंट है। और बात करें कि कितने घंटे काम किए, तो काम हमारा है 12 बजे मान लेते हैं और 8 बजे, तो 8 घंटे की इनकम हुई है, 8 घंटे का काम हुआ है और 8 घंटे में हमारा जो टोटली होता है वो होता है 923 रुपये। और बात करें कि हमारी पेट्रोल कितनी लगी है और बाइक कितनी चली है, तो अराउंड हमारा जो बाइक और पेट्रोल चली है वो करीब चली है 135 किलोमीटर, 135 से 140 किलोमीटर चली है, ठीक है। और वही इसलिए मैंने अमाउंट मान लिया 300 रुपये का पेट्रोल, 50 रुपये पर एवरेज के हिसाब से मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये अमाउंट है हमारा आज का 8 घंटे में 923 रुपये। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।